भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा के मौजूदा रोल को लेकर एक अहम खुलासा किया है। लखनऊ में खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। 17वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे जडेजा सिर्फ 4 गेंद का ही सामना कर पाए। गुरुवार को सीरीज के पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 62 रनों से जीत दर्ज कर लगातार 10वां T20 मुकाबला जीता था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी से कप्तान रोहित शर्मा काफी खुश नजर आए। रोहित ने मुकाबले के बाद जडेजा को लेकर कहा, मैं रविंद्र जडेजा की वापसी से काफी खुश हूँ। हम उनसे और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। आगे आप अक्सर उन्हें ऐसे ही देखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करें। रविंद्र जडेजा 4 महीने बाद मैदान पर वापसी कर रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, उनकी बल्लेबाजी में काफी सुधार हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि आगे हम उन्हें ऊपर प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। हम उनसे सीमित ओवरों के क्रिकेट में क्या पाना चाह रहे हैं, इस बारे में हमारी सोच पूरी तरह से साफ है। श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में खेले गए पहले T20 में जडेजा चौथे नंबर पर आए और वह 4 गेंद में 3 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम इंडिया के लिए ईशान ने 89 और श्रेयस अय्यर ने 57 रनों की पारी खेली। जडेजा ने अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 3 ओवरों में 44 रनों की साझेदारी की। अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी की और रविंद्र जडेजा नॉन स्ट्राइकर पर अय्यर को साथ निभाते नजर आए। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट निकाला। रोहित शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।